क्रोध एक ऐसा भाव है जो कि मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करते हैं, वे अपने जीवन में मिलने वाली कई उपलब्धियों से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने क्रोध को वश में करना चाहिए, या फिर क्रोध के समय कटु वचन न बोलकर खुद को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मौन रहकर ही क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का नाश होता है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है, और यदि अगर आप गलत है तो आपको किसी पर भी क्रोधित होने का कोई हक नहीं है। हमने कई बार सुना होगा कि पल भर का गुस्सा सब बर्बाद कर देता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि क्रोध में बोले गए वचन या क्रोध में उठाया गया कदम हमें हमेशा असफलता की तरफ धकेलता है। इसलिए हमेशा खुद को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जीवन को कठिन बनाता है एवं मनुष्य के अंदर बदले की भावना को प्रबल बनाने का काम करता है, जिसका खामियाजा उसे बाद में उठाना पड़ता है। हालांकि क्रोध एक स्वाभाविक क्रिया है जो कि हर मनुष्य को अंदर अपने आप उत्पन्न होता है। हालांकि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर कंट्रोल करना जानता है, वही अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर पाता है। गुस्सा एक प्रकार का पागलपन होता है। क्रोध को हराने के लिए मौन सबसे अधिक सहायक होता है। क्रोध डरपोक लोगों के दिलों में बसता है। क्रोध इंसान का सब कुछ तबाह कर देता है। इसलिए किसी भी चीज़ को शांति से समझे। क्रोध से अमीर व्यक्ति घृणा और गरीब व्यक्ति तिरस्कार का पात्र होता है। गुस्से में की गई बातें हमेशा अंत में उल्टी ही निकलती है। कई बार व्यक्ति क्रोध में आकर कुछ ऐसा वचन बोल देता है जिसका पछतावा उससे जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। इसके साथ ही क्रोध न सिर्फ मनुष्य के आपसी रिश्तों को तोड़ने का काम करता है, बल्कि व्यक्ति को आगे बढ़ने से भी रोकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा गुस्से से होने वाले रिजल्ट के बारे में चिंतन करना चाहिए। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। गुस्से की आदत बुद्धिमान लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर देती है। गुस्से में लिया गया फैसला व्यक्ति को हमेशा गलत मार्ग पर पहुंचाता है एवं शक्तिविहीन कर देता है। इसके साथ ही अंदर से खोखला बना देता है एवं एक समय बाद व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को भी खत्म कर देता है। इसीलिए व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए। गुस्सा गलत फहमियों को बढ़ाकर रिश्तों में जहर घोल देता है। शांत दिमाग से ही मुश्किलें सुलझती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है, और जिस व्यक्ति के बुद्धि का नाश हो जाता है उसके विनाश में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अतः हमें क्रोध रूपी शत्रु से सावधान रहना चाहिए। क्रोध मूर्खता से शुरू और पश्चाताप से समाप्त होता है। क्रोधित मनुष्य के गुस्से का उपयोग दूसरे लोग अपने स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए करते हैं। जब मनुष्य जिद करने लगता है उसी समय
क्रोध का जन्म होता है। क्रोध को यमराज कहा जाता है। क्रोध करने की आदत व्यक्ति की वह कमज़ोर कड़ी है जो अक्सर बनाए कामों को बिगाड़ देती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख सकता है वह व्यक्ति अकारण तनाव में घिरा रहता है। गुस्से में बोला गया हर एक शब्द दोबारा वापस नहीं आता। गुस्सा यानी क्रोध करने का अर्थ है दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देना। दिन भर काम करने के बाद मनुष्य उतना नहीं थकता जितना उसे गुस्सा या चिंता थका देती है। गुस्से में हो तो कुछ भी बोलने से पहले 10 तक गिनो, अगर ज़्यादा क्रोध में हो तो 100 तक। जब क्रोध आए तो उससे होने वाले परिणामों के बारे में सोचो। इंसान गुस्से में अपना नियंत्रण खो देता है और अक्सर वह कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। मूर्ख इंसान गुस्से को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान मनुष्य शांति से उसे वश में करता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने गुस्से की आदत को छोड़ना ही होगा। गुस्सा एक तेज तलवार की धार की तरह है जो हमारा सब कुछ ख़त्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता उसी को क्रोध अधिक आता है।